तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपसे कि गाड़ी के नंबर से आप किसी भी गाड़ी का डिटेल निकाल सकते हैं। भारत के किसी भी आरटीओ से अगर गाड़ी रजिस्टर्ड है तो उस नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आरटीओ से रजिस्टर्ड है, कौन सा शहर से गाड़ी खरीदा गया है और कौन इसका ऑनर है, ऑनर फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है, ये भी चेक कर सकते हैं। साथ में गाड़ी का आप कौन सा मतलब मॉडल है, कौन सा कलर है, गाड़ी डीजल है कि पेट्रोल है, गाड़ी का इंश्योरेंस अभी है या नहीं है, तो ये सब आप जो है चेक कर सकते हैं गाड़ी का डिटेल कोई भी गाड़ी का नंबर से। बस आपको गाड़ी का नंबर डालना है और आपका सारा डिटेल खुलकर यहाँ पर आ जाएगा। तो कैसे चेक करना है, क्या करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। बस इसको लास्ट तक देखना और साथ में मुझे सपोर्ट करना, इस वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिए ताकि इसी तरह से टेक्निकल और नॉलेजेबल जानकारी हम आप तक लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और वहीं पे सारी जानकारी बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी फ़ोन की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर देखेंगे आरटीओ व्हीकल डिटेल है। तो ये एप्लीकेशन अगर हमने आपको बता दिए तो अब यहाँ पे वीडियो छोड़ के जाएंगे तो बाद में दिक्कतें आपको हो सकती है। तो सबसे पहले वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए पहले। तो सबसे पहले आपका ये आप देखिए कि आपके पास कौन सा कार है कि बाइक है आपका। तो मान लीजिए अगर बाइक है तो बाइक यहाँ पे करना है, बाइक की स्कूटी, और कार अगर है तो कार यहाँ पे देखना है, और अगर आपका उसके अलावा अगर 12 चक्का 6 चक्का गाड़ी है, बड़ा गाड़ी है तो यहाँ पे चेक कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास पेन पेपर नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ से आप स्कैन करके गाड़ी का नंबर और चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी का लाइसेंस हो या फिर खुद का लाइसेंस के बारे में चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे गाड़ी का चालान चेक कर सकते हैं, कोई भी गाड़ी है उसका चालान चेक कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको गाड़ी नंबर एंट्री करना है। आरटीओ से रिलेटेड जो है व्हीकल से रिलेटेड बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। ऐसे ये वीडियो प्रमोशन का नहीं है, ये जानकारी के लिए आपको जो है एप्लीकेशन के बारे में बता दे रहे। अब यहाँ पे देखिए आरटीओ इन्फॉर्मेशन है, आरटीओ इन्फॉर्मेशन तो आपके स्टेट में कौन सा आरटीओ है यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके साथ में नियर में कौन सा है देख सकते हैं, और अगर आपने लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है आरटीओ में यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रिपेयर के लिए है और आरटीओ क्वेश्चन है और ट्रैफिक, ये जानना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि जब आप आरटीओ का एग्जाम देने जाएंगे यानी कि आप जब लाइसेंस बनाने जाएंगे तो यही सब पूछता है ज्यादा, तो ये सब आपको सीख लीजिएगा यहाँ से। और साथ में आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ का आपको यहाँ पे पेट्रोल एलपीजी डीजल का रेट बताएगा। तो देखिए अभी बेंगलुरु में हम हैं तो 108 रुपये यहाँ पे पेट्रोल है और 99 डीजल है, एलपीजी 38 है। लेकिन इस वीडियो में हमें यह सीखना है कि कोई भी गाड़ी नंबर से कैसे किसी का जानकारी निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बताए थे तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बाइक नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे इंटर योर बाइक नंबर डिटेल यहाँ पे क्लिक करना है। तो अभी हम यहाँ पे आपका नंबर जो है हमारा गाड़ी का नंबर यहाँ पे एंट्री करते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, एंट्री कर दे रहे हैं। तो जैसा कि ये नंबर जो हम के बाद यहाँ पे सर्च का बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा ऐड आ सकता है, तो थोड़ा ऐड वेट कर लीजिएगा, ऐड यहाँ पे हटा दिए। देखिए यहाँ पे गाड़ी का नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर खुल गया, उसके बाद गाड़ी अभी चालू हालत में है और गाड़ी का ऑनर का नाम यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे ऑनर के पिताजी का नाम आ गया। अब यहाँ पे बता दे रहे फर्स्ट ऑनर है और गाड़ी जो है पैशन प्लस है और हीरो होंडा मोटर गाड़ी है। उसके बाद आगे अगर हम देख ले यहाँ पे आगे तो कलर मालूम हो जाता है, और यहाँ पे व्हीकल क्लास है, मोटरसाइकिल है, एम साइकिल लिखा हुआ है, टू व्हीलर है, और पेट्रोल फ्यूल है, और चेसिस नंबर देखिए यहाँ पे आ जाता है, इंजन नंबर आ जाता है, और ये गाड़ी लिए थे 18 फरवरी 2019 को जो 12 साल 7 महीने 26 दिन हो चुका है, जो रजिस्टर्ड अथॉरिटी है झारखंड का है, और फिटनेस अपडू हुआ था 21 दिसंबर 2030 को, और साथ में पीयूसी नंबर यहाँ पे है, पीयूसी वैलिड है, 25 मार्च 2021 तक था जो फेल हो चुका है पीयूसी, और उसके बाद इंश्योरेंस जो है नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड से किया गया था कि वैलिड है इंश्योरेंस का 21 दिसंबर 2009 तक जो ये भी फेल हो चुका है, इंश्योरेंस पॉलिसी ये है और यहाँ पे फ्यूल है और सीट कैपेसिटी 2 है और सिलेंडर कैपेसिटी 1 है और टैक्स वैलिड जो है 2023 तक, यानी कि गाड़ी का जो टैक्स वैलिड होता है वो है। और साथ में अगर आप इस गाड़ी का चालान चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे चालान पे क्लिक कर देना है। तो ये गाड़ी पर चालान है, ये चेक कर रहा है अभी, तो देखिए गाड़ी में कोई चालान नहीं है, तो आप लिख देगा यहाँ पर नो चालान डिटेल फाउंड अगेंस्ट द सर्चेड आरसी नंबर। ओके, आरसी नंबर से बता दिया कि गाड़ी पर कोई चालान नहीं है, तो इससे जान सकते हैं मान लीजिए बड़ा कार है आपके पास, बड़ा गाड़ी है तो जेसीबी वगैरह है या फिर कोई मशीन है बट उसका रजिस्ट्रेशन रहेगा आरटीओ में, तो उस नंबर से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर नहीं भी है तो आपको यहाँ पे कैमरा ओपन करना है, देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैमरा वाला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन करने के बाद सीधे गाड़ी का नंबर पर आप क्लिक कर दीजिए,
स्कैन करके आपका सारा का सारा डिटेल खोल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरह से टेक्निकल और नॉलेजेबल जानकारी हम लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।